हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इसके अंदर जो मैंने सेल रखे हैं ना बैटरी के अंदर, उस पर हम BMS लगाएंगे। मैं इसको खोल लेता हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने खोल ली है, ठीक है। लो ये इसमें सेल हैं, ठीक है। इसमें जो है 9 सेल हैं। ये तीन तीन सेल पैरेलल में है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, इन सब में इनकी कैपेसिटी भी लिखी हुई है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें क्या था, वो जो BMS था ना मेरे पास, ये BMS था, तो ये लगाया था तो ये ख़राब था, तो इसलिए मैंने अभी जो है ये BMS मंगाए हैं। ये लिथियम आयन के हैं, 3S और 20 एम्पियर के, ठीक है फ्रेंड्स। ये दो ये हैं, और ये देखो ये 10 मैंने पूरे मंगाए, हर पैकेट में दो दो हैं, ठीक है। तो ये BMS आज हम इसमें लगाएंगे फ्रेंड्स। इसमें जो है ना पुराना, इससे मैं तारे निकाल लेता हूँ पहले फ्रेंड्स। ये ख़राब जो BMS है ना, इसकी मैंने सारे वायरें निकाल ली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये कनेक्शन होंगे कैसे, ठीक है। ऐसा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है ना, ये जो पहला वाला है ये 0 वोल्ट का है, ठीक है। ये B- में लगेगा। दूसरा वाला 4.2 वोल्ट का दूसरे पहले सेल पे लगेगा, मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये माइनस है, ठीक है, तो जो बी वाला है, बी माइनस है, ठीक है। ये तीन के है ना, ये तीन पैरेलल में लगा रखे हैं, तो यहाँ पे B- लगेगा। इसके बाद ये जो पहला सेल पूरा खत्म होगा तो वहाँ पे 4.2 वोल्ट आएगी, तो यहाँ पे दूसरी तार लग जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आएगी आपकी 8.4, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये सेल होता हुआ यहाँ पर आएगा, ये 4.2 वोल्ट का लग जाएगा। और उसके बाद जो है इसमें 12.6 है, तो 12.6 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं पहले ना वायरें लगा लेता हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने वायर लगा दी है, B- में ब्लैक है, ठीक है। 4.2 पे ब्लू है, और 8.4 पे ब्लू है, और 12.6 पे जो है ये वाइट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो दो तारे हैं, ये पॉजिटिव आउटपुट और इनपुट के लिए हो जाएंगी, ठीक है। पहले मैं इसके पीछे चिपकू टेप लगा लेता हूँ फ्रेंड्स। मैंने इसमें डबल साइडेड टेप लगा दी है, ठीक है। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे, और फ्रेंड्स सबसे पहले जो है हम ब्लैक वाली वायर जोड़ेंगे। ये इसका B- है, बैटरी का माइनस में है, ठीक है। इसमें B- वाली वायर जुड़ जाएगी, ये फ्रेंड्स। ये तारे ना तो पिछले वाले BMS के हिसाब से मैंने काटी थी, तो इसमें थोड़ी है बड़ी भी हो गई, कोई छोटी हो गई है। फ्रेंड्स ये B- लगी है, ठीक है। अभी जो है ये सेल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे है, तो इस दूसरे वाले पॉइंट पे हम लगाएंगे 4.2 वाली, ठीक है। अब इसमें हम इधर से आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, इसी को लगा देते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स ये हो गई अभी 4.2, अब हो जाएगी हमारी 8.4, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये यहाँ से एक सेल है, यहाँ से ये दूसरा सेल है, ठीक है। 4.2 तो लगा दिया, अभी 8.4 यहाँ पे लग जाएगी। ये पूरा 6 सेलों का है ना पेयर बना हुआ है, पैरेलल में लगा रखी हैं, तीन तीन के वो हैं सेट बना रखे हैं। इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये रह गई हमारी 12.6, तो ये आखिरी में जो पॉजिटिव है ना, मेन पॉजिटिव इसका लास्ट, उसमें लग जाएगी। फ्रेंड्स ये हो गए इसे कनेक्शन। अब हम इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं,
ये मैंने 12 20 वोल्ट पर सेट कर दिया है डीसी पे, ठीक है। इसकी वोल्टेज वहाँ से चेक कर लेंगे, ये 12.66 वोल्ट आ गई, इसका मतलब ये BMS भी ओके है और ये बैटरी भी ओके है, ठीक है। अब हम जो है इसको इससे कनेक्शन करेंगे इसके बॉक्स के साथ, ठीक है। पहले हम इसमें रख लेते हैं इसको, अभी ये जो है इतना आ जाएगा, तो ये तारों की वजह से ना अब तो रबर मुश्किल से आएगा। निकालना मुश्किल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ गई है बैटरी, ठीक है। अब जो है अब स्विच है, सबसे पहले हम स्विच का कनेक्शन बताऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो एक ये पॉजिटिव है ना आउटपुट, इसका इसका जो है इस स्विच के एक उस पर आ जाएगा, ठीक है, एक उस पर आ जाएगा। और जब तक ये ऑफ रहेगा तो ये करंट यहीं पे रुका रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो दूसरी पिन में आएगा, तो दूसरी पिन का कनेक्शन हम इसके जो जैक है ना डीसी जैक, इसके पॉजिटिव के साथ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर पॉजिटिव आगे ले जाके ये जो दूसरा वाला डीसी जैक है इसके पॉजिटिव पे कर देंगे, तो जैसे इसको ऑन करेंगे तो इन दोनों पे करंट चला जाएगा, ठीक है। और फिर जो माइनस के हैं, ये माइनस का सीधा इसके माइनस पे लग जाएगा और फिर इसके माइनस पे, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको कनेक्शन करके, फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसमें ये लगा लेते हैं शोल्डर, ठीक है, सभी में लगा लेंगे जिसके पॉजिटिव है। तो इसके यहाँ से ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब ये इसमें तीन पिने हैं, ठीक है ना, तो इसको आप चेक कर लेना पहले, क्योंकि ये पहले तो तीनों पर दिखाता है, लेकिन जब इस पर ये लग जाता है ये मेल जैक लगाएंगे तो ये एक ही पे रह जाएगा नेगेटिव, वो नीचे वाला जो है उस पर नेगेटिव है, तो इसी पर मैं ये लगा लेता हूँ। मैंने तो चेक करे हुए हैं, पहले शुरू शुरू में दिक्कत आ गई थी मेरे को, और इस भी लगा दूंगा मैं, इधर से ही आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पहले हम ना फ्रेंड्स इधर करेंगे, बाद में जो जाके हम इससे साथ BMS के साथ कनेक्शन करेंगे इसके। फ्रेंड्स ये हम पॉजिटिव आया, इसको मैंने थोड़ा घुमा लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इससे हम यहाँ इस पे तो हम बैटरी से पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम इसका इसकी पॉजिटिव पे कर देंगे, जब ये ऑन होगा तो इसे पॉजिटिव पे करंट चला जाएगा, ठीक है। साथ ही इससे यहाँ से यहाँ भी कर देंगे। फ्रेंड्स ये मैंने वायर यहाँ से इसकी पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया, मैं यहाँ से एक यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। फ्रेंड्स इसमें ना ये ब्लैक को लगाने की जगह नहीं है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, पहले ब्लैक लगा लेता हूँ इसमें, एक नीचे है ना जगह, उसके बाद मैं ये रेड का कनेक्शन करता हूँ। फ्रेंड्स तो ये पहले मैं ना मैंने काट ली ब्लैक, ब्लैक इसमें जोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे मुश्किल हो जाएगी इसको जोड़ना ना, अभी भी दिख नहीं रहा है, मुश्किल ही हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये लगा दिए और इसको जो है हम इधर से यहाँ पे लगा देंगे, इस वाले पे लगा देंगे, इस पर एक वायर और आएगी फ्रेंड्स यहाँ पे ना, बैटरी से माइनस आ जाएगा, इसमें जगह कम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसको रेड वायर इसमें जोड़ लेता हूँ यहाँ पे, अब एक जो रेड है यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने ऐसी लगा देता हूँ इसको, क्योंकि अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए ना स्लीव है या 3 mm की भी डाल देता हूँ मैं इसमें, और अब इसको जो है
इसकी पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ। नीचे नहीं डाली है स्लीव, वैसे स्लीव बड़ी हो गई, थोड़ी छोटी कर देता हूँ मुड़ने का। ये अब इसको जो है ये स्लीव इसके ऊपर ऐसा जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्विच के और सॉकेट के तक कनेक्शन हो गए हैं, ठीक है। अब हमने इसको बीएमएस से कनेक्शन करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम ये ले लेते हैं इसको, ठीक है। स्विच में इधर से लगा देंगे इसको, एक तार यहाँ लगा देंगे और एक काली वाली ब्लैक हम यहाँ पे लगा देंगे इस पर, यहीं से हो जाएगा ये। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो दोनों तारे हैं ये बीएमएस के आउटपुट पर लग जाएंगी, ठीक है। अभी मैं उसमें छोटा कर लेता हूँ काट के। फ्रेंड्स ये पॉजिटिव जो है ना पॉजिटिव पे लगा देंगे, ठीक है। छोटी बड़ी भी लगता है, ठीक है। और ये ब्लैक वाली माइनस पे लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। इसको एक बार मैं टेस्ट करा देता हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स मैंने ना ये सेटअप बनाया हुआ है, इन बैटरियों के लिए ही बनाया है ये, ठीक है। तो हम इसमें इसे चेक करेंगे, इसकी जो आउटपुट ये जो वायर है ना, देखो इसमें दो फ्रेम मेल जैक हैं, इसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और इसको जो हम यहाँ के इसके इनपुट में दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी लाइट बंद कर देते हैं। अब ये देखो, ठीक है, इससे ये देखो ये स्विच है, स्विच ऑफ हो गया ना। अब देखो जैसे मैं इसे ऑन करूँगा, ये वोल्ट मीटर बता रहा है 12 पॉइंट। इसमें क्या है, इसमें वो भी लगा हुआ है, क्या कहते हैं ये बूस्ट, वो है ये मॉड्यूल लगा हुआ है बढ़ाने के लिए, अभी हम बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। हो गया, अब इसको बाद हम चेक कर लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है 1.21 एम्पीयर ले, 20 वाट के करीब लाइट है ये, ठीक है, चल रही है। अब हम इसका जो है इसका ढक्कन लगा लेते हैं, फ्रेंड्स। ये जो है ना मैंने ये बैटरियों को डिस्चार्ज करने के लिए बनाया है ये सेटअप। इसके जो पीछे है ना ये इमरजेंसी लाइट भी है इसके, इधर एक मिनट दिखाता हूँ इसको बंद करके। ये बंद हो गया, ठीक है। इसके पीछे इमरजेंसी लाइट है फ्रेंड्स, इसमें भी हम इनपुट दे सकते हैं इसको, यहाँ से हम इसका इनपुट देंगे, ठीक है। दिखाता हूँ ये ऐसे जलेगा, ठीक है। ये दो ब्लू हैं, रेड हैं और ग्रीन है, ठीक है। अभी ये इसी बैटरी से चल रहे हैं, ठीक है। इसको बंद कर लेता हूँ मैं फ्रेंड्स। ये मैंने स्क्रू लगा दिए हैं, ये देखो ये ऐसा है, ठीक है। ऑन ऑफ का स्विच है, दो इसमें आउटपुट के जैक है। अच्छा मैंने आपको ये तो दिखा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैं आउटपुट तो आपको ये दिखा दिया मैंने। इसको ठीक है, अब मैं इसकी चार्जिंग भी आपको दिखाता हूँ कि चार्ज कैसे होगा। थोड़ा इसको डिस्चार्ज होने दो, ये बैटरी फुली चार्ज है उसे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब देखते हैं चार्ज होती कि नहीं होती।
फ्रेंड्स ये मेरा सेटअप है, ठीक है। मैंने इसमें सेट कर दिया 12.6 वोल्ट और ये इसका आउटपुट यहाँ पर रहेगा। ये रही बैटरी से आती हुई वायर, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको ऑन करेंगे, ठीक है। अभी ये फुल चार्ज है ना, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देखो बढ़ाने पे हो रहा है थोड़ा बहुत। फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसके अंदर बी एम एस जो लगा ना, ये आपका जो है अगर आप ज़्यादा से भी चार्ज करोगे ना इसको, तो क्या आपका 12.6 जैसी इसकी वोल्टेज आएगी ना, ये कट ऑफ कर देगा इसको, ठीक है। ये देखो चार्ज हो रहा है, 12.6 पे नहीं चार्ज हो रहा था ना, क्योंकि उतनी थी उसके अंदर जी। अब जैसे मैं 12.6 करूँगा इसको, तो ये 0.0 एम्पीयर दिखाएगा, क्योंकि फुल चार्ज है वैसे सेल ना। थोड़े से कम हुए अभी जलाने पे, उतने ही भर रहा था वो अभी। ये देखो बढ़ाने पे भरेगा, ठीक है। अब जैसे इसकी 12.6 जाएगी, ये कट ऑफ कर देगा यहाँ पे इसको, इसका PMS, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैसा लगा आपको ये बैटरी पैक, ये देखो बिल्कुल पोर्टेबल है और दो दो आउटपुट है, ठीक है। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।